दादी सा सबसे हाथ जोड़ कर मांगेगी माफी। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं। दादी सा यानी कि कावेरी पोद्दार सबसे हाथ जोड़ कर माफी मांगने वाली है। जी हाँ, ये अनबिलीवेबल है लेकिन ऐसा होता है। दरअसल अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि मनीष और घर के सभी लोग, जितने भी जेंट्स होते हैं, वो अरमान और अभीरा को ढूंढ कर खाली हाथ परेशान होकर घर वापस आते हैं। ऐसे में दादी साहब, विद्या और वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं, सबको यही लगता है कि अरमान और अभीरा का कोई पता नहीं चला है, और तो और शादी का मुहूर्त भी निकलता जा रहा है। ऐसे में अब तो ये शादी नहीं होगी। फिर दादी साहब वहाँ मौजूद जितने भी मेहमान होते हैं सभी से हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगती है कि मेरे बेटे की शादी में आप लोग आए, आप लोगों ने अपना टाइम भी लगाया, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। जब दादी साहब इस तरीके से मेहमानों को बोल ही रहे होते हैं और मेहमान जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी पोद्दार हाउस में अंधेरा छा जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। उसके बाद लाइट जलती है और एंट्री होती है अरमान और अभीरा की, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, सिर्फ दो या तीन लोगों को, जैसे कि दादी साहब, विद्या और संजय, इन्हें कोई खुशी नहीं होती है अरमान और अभीरा को साथ में आता देखकर। लेकिन वहाँ मौजूद और भी दूसरे लोग हैं जो कि अरमान और अभीरा को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि शादी का मुहूर्त तो निकल गया है। फिर सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, पंडित जी से ही पूछ लेते हैं कि शादी का मुहूर्त है भी या नहीं। फिर पंडित जी कुछ अपने हाथों पर कैलकुलेट करते रहते हैं और उनके चेहरे पर बहुत सारी परेशानी की रेखाएं खींची हुई होती है, जिसे देखकर अरमान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पूछता है, पंडित जी आप बताइए ना, क्या वाकई में शादी का मुहूर्त निकल गया, क्या अब शादी नहीं होगी। पंडित जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अवाक अभीरा और अरमान को देखते रह जाते हैं। तो ऐसे में कहा नहीं जा सकता है कि अरमान और अभीरा की शादी होगी या नहीं होगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।